रेनोवेशन पर 45 करोड़ और वो भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के लिए, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये मुख्यमंत्री का निवास स्थान है, दिल्ली सरकार की प्रॉपर्टी है, कोई अरविंद केजरीवाल की निजी प्रॉपर्टी नहीं है ना विका जी, ना अरविंद केजरीवाल ने अपने नाम पे इसकी रजिस्ट्री कराई है। ये मुख्यमंत्री की मंत्री जो बनते हैं उनके लिए निवास स्थान होता है, हर सरकार के लिए होता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में लगभग 40-50 करोड़ रुपए खर्च कर केवल और केवल चमकाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया। या हम रेनोवेशन की बात नहीं कर रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर फिर से बना क्योंकि वो 80 साल पुराना था। जहां तक आप परिपेक्ष में बहस को लाने की बात है, मैं आपको बताता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान को बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बजट का जो एस्टिमेट होता है उससे लगभग 2-3 गुना पैसा खर्च होता है। सभी एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 1000 करोड़ से 1500 करोड़ रुपए कम से कम प्रधानमंत्री के नए निवास स्थान को बनाने में लगेंगे। अगर प्रधानमंत्री के निवास स्थान के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं तो एक किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कम से कम उसकी 15वां हिस्सा 20वां हिस्सा 25वां हिस्सा तो खर्च हो सकता है। और इसे भी छोड़ दीजिए, अगर आज सिर्फ खर्च की बात हो रही है, ये घर दिल्ली की जनता का है, दिल्ली की जनता इस घर में आकर मुख्यमंत्री से मिलती है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद और अगर खर्चे की बात करनी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के एक IIT के इवेंट पे कर्नाटका में इसी महीने 10 करोड़ रुपए खर्चे करेंगे 1 घंटे के इवेंट के लिए। इसके बारे में भी सुधांशु जी जवाब दें।